जय महाकाल दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से आज यह अचूक साधना जो कि बदिया राड़ जो कि एक शक्ति होती है जो कि बहुत ही तिलिस्म लिए यह भी एक मुवक्किल है और इसकी साधना कुछ ऐसी है। यह चढ़ाई करने वाली देवी है जो कि किसी भी तरह के अगर किसी के शरीर में कोई चीज़ है तो वह उसे प्रत्यक्ष कर उसे बकारा दिलाती है और उसका नाम पता किस कारण आया है, कौन भेजा है, किस कारण भेजा है या कहां से पकड़ा है, सभी चीज़ों को यह हाजिरी के रूप में उसके शरीर पर ले आती है। यह प्रमाणित साधना है जो बहुत ही गुप्त, अभी तक यह कहीं पे देखने को आपको नहीं मिलता है। इसके नाम से पूजा दी जाती है जो कि यह बहुत ही तेज, कहीं भी छुपा हो कोई भी चीज़ इसके नज़र से बच नहीं सकता। इसकी प्रमाणित साधना मैं आज आपको दे रहा हूँ। सर्वप्रथम कोई भी साधना करने से पूर्व सबसे पहले अपने शरीर का कीलन करे, आसन का कीलन करे, उसके पश्चात ही कोई भी दैविक साधना चाहे किसी भी देवी को या किसी भी जिन्न जिन्नात या किसी चीज़ की सिद्धि कर रहे हों तो बिना आसन दिग्रक्षण किए नहीं करना चाहिए, वरना खतरा भी हो सकता है। किसी जानकार के परामर्श लेकर ही या कोई गुरु हो आपके तो उनके द्वारा इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें कि कैसे बंधन करना है, क्या है, और गुरु दीक्षित हो तभी अगर करे तो और ही अच्छा है, वरना कर सकते हैं। अगर आपके पास रक्षा मंत्रों के साथ कीलन करने की विधि हो तो अवश्य कर सकते हैं किसी शुभ योग में, शुभ दिन में। अब करना क्या है, पान का बीड़ा दो लेना है, दो लौंग लेना है, दो सुपारी लेना है, एक नारियल लेना है और घी के दिया जलाना है और जो देवदार की लकड़ी है उसका हवन करना है कम से कम 108 बार। ऐसा आपको 3 दिन करना है। ये 3 दिन करने के पश्चात इस जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को काली मिर्च के दानों पर 7 बार पढ़ना है। जिस किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि कोई तरह का अभिचारिक चीज़ है और समझ में कुछ नहीं आ रहा तो यह जो गोलकी है जिसे काली मिर्च भी कहते हैं उसे चबाने के लिए दिए दे तो जो भी उसके शरीर में होगा वह प्रत्यक्ष होके वह अपने बारे में बताएगा, चाहे वो कोई भी शक्ति हो चाहे कोई भी चीज़ लगाया गया हो वह सारा चीज़ आपको वह बता देता है। इसकी और दूसरी विधि है। यह विधि क्या है, इसमें विधि कुछ नहीं, एक विधि खाली चेंज है। इसमें क्या है कि ये जो मंत्र है इसको सरसों तेल के आहुति देना है, 11 दिन 108 बार जप करना है और आप अपने इच्छा अनुसार आहुति दे सकते हैं 51 बार या 11 बार जैसे भी, पर ये जाप चलेगी 108 बार। 108 मंत्र जाप पर डे 11 दिन तक करनी है तो यह शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर भी किसी तरह का कोई चीज़ है तो इस मंत्र को पढ़ के 7 काली मिर्च को पढ़ना है और उस व्यक्ति को खिला देना है। खाते 7 वो चीखने चिल्लाने लगेगा, यह प्रमाणित साधना है। और उसे बकारा ले ले किस चीज़ के लिए आया है, क्या चीज़ चाहिए और उसे आप किसी भी तरह से उसे आप आज़ाद वो सारी सामग्रियों दे के कि कैसे मैं तुम्हें तुम इसे छोड़ोगे, क्या चाहिए, सभी चीज़ बकारा लेकर उसे छोड़ दें तो वह व्यक्ति जो है रोग मुक्त हो जाएगा। ये गारंटेड प्रयोग है। इस मंत्रों के द्वारा किसी को झाड़ा भी देते हैं तो उसके कोई भी किए कराए कुछ भी हो वह कट जाते हैं और अभिचार का नाश हो जाता है। यह एक मंत्र 3 तरह के कामों को करने वाला है और बहुत ही तिलिस्म और बहुत ही तेज चलता है। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।